जी कैसे हो आप सब। अभी ना करीबन करीबन दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। हाँ इतना ही टाइम हो रखा होगा। और मेरी मम्मी देख लीजिए विहान के पीछे पीछे घूम रहे हैं। विहान ने ना प्लास ले लिया था। मम्मी कह रहे हैं कि विहान का नाना रखता है ऐसी चीजें, मैं छिपोती रहती हूँ। और ये मेरा बाबू है ना, सारी चीजें उठा उठा के, हाँ देखो जय कर रहा है हाथ से, कर जय कर। मैं नहीं पकड़ती। तो जी बात हो रही थी घर की, तो घर की देखो अभी मैंने ये कमरा तो साफ कर दिया था, ये देखो पूरा सेट कर दिया है, ये देखो सफाई तो कर दी थी। एक मिनट में पंखा बंद करती हूँ। तो यहाँ पे टेंट हाउस रहा, और वैसे ऊपर का कर दिया था, ये तो ऐसे ही है रखा हुआ है। तो अब ना हम किचन का काम कर लेते हैं। पहले क्या हो रहा है, सेकंड ना बाहर की हवा आ रही है। हाँ सब्जी बेचने वाले आ रखे होंगे भैया। तो अभी हम ना पहले रसोई का काम निपटा देते हैं। ये कमरा भी लगभग लगभग सही है, ठीक है, मतलब थोड़ा एक बार तो कर चुके हैं, बस ये थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का है काम। वैसे झाड़ू तो हो गया है, तो मेन काम है। तो मम्मी तो कर रहे हैं इस कमरे का, झाड़ू लगा रहे हैं, कह रहे इतने थोड़ा सा ये सेट कर देते हैं और हम रसोई का काम कर लेते हैं। तो लाइट जलाती हूँ मैं। हाँ जला दी मैंने, लाइट जला दी है। तो रसोई की ना अभी जैसे सुबह का खाना वाना बन गया था, सबने खा लिया, पनीर की सब्जी बनी थी। देखती हूँ अगर रखी हुई तो आपको दिखा भी दूंगी। ये वाली थी पनीर की सब्जी। और मक्खियाँ आने लग गई है ना रसोई में। इसमें क्या है, इसमें रोटी होगी, खाली बर्तन। तो ये जो किचन है, सामान वगैरह रखा हुआ है ना, तो पहले सेट कर देती हूँ। और ये देखो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। क्या है, क्या दिखा रहा है? पैरों में दर्द रहने लग गया है बहुत, घुटनों में ना दर्द रहता है और स्वेलिंग सी भी रहती है मेरे जॉइंट्स में नहीं, पैरों में दर्द होता है। तो कुछ एक दो दिन बीच में ठीक हो गया था, फिर मेरे को लगता है ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है। जैसे मैं टेंशन वेंशन लेती हूँ ना ज़्यादा, तो जैसे मेरा खान पान पर ध्यान नहीं देती, ऐसी कुछ भी खाती रहती हूँ, तो उसके बाद मेरे रहते हैं। मैं थोड़ा अपना अब टेंशन फ्री रहूँगी ना, जैसे धीरे धीरे अपने कामों में लगूंगी, तो मेरा ये भी ठीक हो जाएगा, मेरे को आराम मिलेगा। तो चलिए थोड़े बर्तन धो लेते हैं, ठीक है। और इस बाबू को भी देख लो, थोड़े बर्तन धुलवा दे बेटा, मदद कर दे थोड़ी सी, बस कुछ टाइम की बात है, फिर मैं बर्तन धोऊंगी और मेरा बाबू उन बर्तनों को सेट कर दिया करेगा ना। मम्मी इतने छोटे बच्चे से काम करवाएगी तू? चलिए काम पे लगते हैं। आपको सुबह की वीडियो में बोला था कि ना मैं आपको एक खुशखबरी बताऊंगी, पर मेरे मन में ये था, उस टाइम मैं बाहर घूम रही थी, मेरे को था कि मैं आराम से ना तसल्ली से बैठ के आपके साथ वो बात शेयर करूंगी। पर हुआ क्या कि मैं ना घर आई तो इतनी थक गई थी, क्योंकि मैं अभी ना रिकवर होने लग रही हूँ, जो मैंने अभी पिछले 7-8 दिनों में 10 दिनों में जो टेंशन ली है ना, उसकी वजह से मेरी तो भी इसी ऐसी हालत है कि हिम्मत हो नहीं रही थी। तो बस मैंने ना वो वीडियो ख़त्म कर दिया था, और आपने भी देखा था उस वीडियो में मैंने ना म्यूज़िक ज़्यादा लगाया था, मैं से बात करने भी नहीं आई थी, क्योंकि मेरी ऐसी हालत अभी एकदम से ऐसे नहीं होता ना, कि जैसे आप इतने थोड़े बीमार चले थे और उसके बाद एकदम से ठीक नहीं होते, आपको एक एक दिन थोड़ा खुद पे दोबारा से काम करना पड़ता है, तभी आप थोड़े रिकवर होते हो। और यहाँ पे ना पता है क्या था, वो ना ख़त्म हो रखा था विम बार, तो ना यहाँ पे ये नहीं था, क्या कहते हैं ये कपड़े धोने का जो पाउडर होता है ना, तो मम्मी बोल रहे थे कि ना यही डाल ले, इसी से धुल जाएंगे बर्तन, फिर शाम को देखते हैं चक्कर लगेगा तो ले आएंगे। मतलब आप बताना कि किन किन के घरों में ऐसा करते हैं, जब विम बार ख़त्म हो रखा हो तो सर्फ से ही कपड़े धो, मतलब कपड़े धोने के सर्फ से ही बर्तन भी धो लेते हैं कई बार इमरजेंसी में। तो ये थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई थी, वरना तो रखते हैं 2-3 पैकेट ना अलग एक्स्ट्रा रखते हैं हमेशा, पर इस बार ख़त्म हो गया था, या फिर हो सकता है मेरे छोटे वाले घर में चला गया हो एक आधा पैकेट, इसलिए ना मिल रहा हो। तो यहाँ ना ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे हमारे, पता है क्या होते हैं बर्तन ना जैसे साथ के साथ ही धुल जाते हैं, जैसे 2-3 बर्तन इकट्ठे होते हैं तो उनको धो दिया जाता है, इसकी वजह से ज़्यादा बर्तन तो सिंक में इकट्ठे नहीं करते, क्योंकि हमारा ये जो सिंक है ना घर का, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है ना जी, छोटा है, इसलिए कह रही थी। और
अभी तो ना जैसे, हाँ, मैं फिर भूल जाऊंगी। मुझे आपको वो बतानी थी ना बात कि क्या खुशखबरी थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। बात ये है कि जो मैंने जो घर लिया है ना, उसकी ना डाउन पेमेंट मैंने कर दी है, मैंने ना खुद के पैसों से भर दी है। लेकिन अभी ना वो मेरे पास रिसिप्ट नहीं आई है, क्योंकि उसका ना चालान तो मैंने कटता है जो वो काट दिया है। लेकिन अभी सैटरडे संडे आ गया ना बीच में, तो मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे तक पता चलता है। बस बस वही है कि कोई एरर वेरर ना हुआ हो। पापा जी बोलते तूने ठीक से तो डिजिट विजिट भरी थी ना बैंक में जाके, तो मेरे को यही बात आपको बतानी थी। और अरे अरे अरे, ये क्या बात बनी यार, अरे ये क्या सच में, मतलब ये क्या हुआ, अरे मतलब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ना एक वीडियो क्लिप बना रखा था डालने का, कल परसों के लिए मैंने रखा हुआ था, कल का था क्लिप, पर नहीं कल नहीं परसों का था मेरे ख्याल से, कल पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेरी लाइफ में एकदम से हुई एक दो दिन से, तो मैंने जो वीडियो था वो डाला ही नहीं। मैं तभी सोच रही कि ना कुछ चीज़ें अधूरी सी लग रही है मेरे को, कुछ रह रहा है मिसिंग सा। देख लो मैं चेक करूंगी, अब देखती हूँ अगर मुझे वो क्लिप मिलता है तो मैं दूसरे चैनल पे डाल दूंगी, विहान की दुनिया वाला चैनल है ना मेरा, निधि विहान की दुनिया, उस पे डाल दूंगी। मेरे सच में दिमाग से ही निकल गया, मतलब ऐसा ही माइंड हो रखा है। और यहाँ ना मेरी मम्मी आ गए थे, आपको पता है मेरी मम्मी की आदत है, जैसे ही मैं किचन में जाके कोई भी काम करने लगती हूँ ना, कोई भी एक सिंगल काम भी करती हूँ, जैसे मैं बर्तन धोने लगूंगी, तभी उस जैसे सो रहे होंगे, सोते हुए उठ के आ जाएंगे किचन में और कहेंगे तू हट जा मैं कर लूँगी ये काम, तू छोड़ दे छोड़ दे। मम्मी की ना ये आदत तब की बनी हुई है जब मैं पढ़ाई किया करती थी, जब मैं अपनी बीटेक कर रही थी ना, पढ़ाई करती थी उस टाइम ना, मतलब ना जैसे प्रेशर काफ़ी होता था थोड़ा उस टाइम, कि नंबर अच्छे आए। और मेरे घर में ना पढ़ाई का ना वो था कि मेरे पापा जी को बहुत ज़्यादा था कि मैं पढ़ाई करूँ, मेरे अच्छे नंबर आए, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा था। तो अगर मैं थोड़ा सा भी घर का काम करती होती थी ना, जैसे मान लो झाड़ू लगाऊँ या फिर बर्तन धोने में लग जाऊँ, तो ना उसमें मेरी मम्मी और पापा दोनों मेरे को डांटा करते थे, बोलते ये काम तू नहीं करेगी, छोड़ दे, तुझे नौकरी करनी है, आगे अपना फ्यूचर देख, कैरियर पे ध्यान देना है, पढ़ाई कर। क्योंकि उनको ये लगता था अगर मैं घर के काम करूंगी ना, जैसे फिर मेरे नंबर वगैरह कम आएंगे, उन पे असर पड़ेगा। तो वो मेरे ना नंबर, मेरे पापा जी ना खुद जाते थे स्कूल में भी जाते थे, कॉलेज में भी मेरे ना नंबर सर्टिफिकेट सारे पता करने जाते थे, और ना अगर कम आते थे तो थोड़े मायूस से हो जाते थे। तो उनका ना मन में ये चीज़ रहती थी शुरू से ही कि ना मैं ना पढ़ाई करूँ, घर के कामों में ना ज़्यादा ध्यान दूँ। मम्मी कहते थे ये तो पूरी ज़िंदगी करने आगे घर के काम, तो अपना पहले पढ़ाई कर, कैरियर बना, अपनी नौकरी देख, इन चीज़ों में तो मैंने ही अपनी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर ली, घर के काम तो क्या है, चाहे दो बंदे करे चार करे लगे रहे, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे अपना। तो मेरी मम्मी ना मुझे ऐसे बोला करते थे। तो उस टाइम मतलब अभी भी मम्मी की यही आदत रहती है, मैं कुछ भी काम करने लगती थी ना तो मम्मी अभी भी कह देते थे कि तू पढ़ लेना कुछ और काम कर ले। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा कमरा सेट कर रही थी, वैसे तो आपने देखा है कमरा बिल्कुल पहले से ही सेट था। और ये रजाई, पता है रजाई तो मुझे समझ ही नहीं आई, रजाई का क्या चक्कर है, अभी सर्दियों गर्मियों में रजाई तो नहीं ओढ़ेंगे। ये ना मेरी सनी और मैं इस रजाई को यूज़ किया करते थे, मेरी शादी पे ली थी मैंने। और ये देखिए कमरा पूरा सेट हो गया है ना, ठीक हो गया। तो देखो मम्मी ने जैसे ही मैं काम पे लगी, मम्मी तुरंत मेरे साथ मेरी को मदद करवाने में आ गए, बोलते तू हट मैं कर देती हूँ। और ये मेरी किताब थी रीजनिंग की, मतलब एक टाइम पे सोचा था थोड़ा गवर्नमेंट वगैरह का थोड़ा कर लूँगी, तैयारी करूँगी, पर और फिर वैसे मैं इस साइड गई ना, तो देखो विहान बाबू इसमें अपने आप घुस जाता है, अब इसको आता है और ये गिरा भी देता है कई बार, तो इसमें इसके खिलौने रख देते हैं और ये खेलता रहता है ना जी। कैसी देख लो आप, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं ना, है ना जी। तो बस ऐसे ही करने लग रहा था विहान बाबू। ए मेरे बच्चे, बेटा मतलब बच गया ये एकदम, ये अड़ गया था इसमें टेंट में ना, पर फिर मैंने इसको निकाल दिया था, तो मैं इसको पकड़ाने लग रही थी, मैं सोचा चलो विहान बाबू को ही दे देते हैं ये खेल लेगा। तो पापा जी ने अपनी साइड कर लिया था विहान को, तो आज अच्छा लगा, मतलब अभी माहौल घर का भी सही बनने लग रहा है, पापा जी को भी चीज़ रियलाइज़ हुई है कि ना मतलब घर में जैसे ना अब एक मतलब उनको भी अब चीज़ समझ आ रही है कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन लेती हूँ, तो वो भी मतलब अब हमारे घर में पहले से अच्छा माहौल बन चुका है, अच्छा सब कुछ सही चल रहा है अभी फ़िलहाल तो। और यहाँ पर देख लीजिए
मैं ना बाबू को बस ये खिलौने दे रही थी, और विहान बाबू क्या कर रहा था, ये जो कार रखी हुई है ना, ये मुझे पकड़ाए जा रहा था। मैं विहान को दे रही थी और विहान मुझे दिए जा रहा था, कह रहा था मम्मी तू खेल, मतलब इतना तो नहीं बोलता, पर अभी दादा मामा बाबा पापा इस तरीके के जो आसान आसान से शब्द होते हैं ना, वो विहान बाबू के मुँह से निकल जाते हैं आजकल, निकाल लेता है, इतना तो बोल लेता है थोड़ा बहुत तो, है ना जी। और ये इसकी ना वो थी जीप सी थी, कार नहीं होती है, ये इसने तोड़ दी थी। छोटे बच्चों को ऐसे खिलौने देने ही नहीं चाहिए, ये प्लास्टिक वाले नहीं होते कई खिलौने, इसीलिए अभी मैं फ़िलहाल विहान के लिए ज़्यादा खिलौने नहीं खरीद रही हूँ। फिर मेरे को ये लग रहा है कि ना अभी ख़रीदूँगी और उसके बाद वो ये तोड़ तूड़ देगा ना, ये चीज़ हो जाती है। तो ये देखिए कमरा भी सेट हो गया था, रसोई भी पहले से बेटर एकदम साफ सुथरी हो गई थी, है ना जी, हो गई ना। बस यही बताने लग रही थी घर के बारे में तो, कि ना उन्होंने मतलब, हाँ मैंने कुछ फॉर्म वगैरह भर रही थी तो उसमें मेरे को पता चला कि उसमें ये लिखा है कि अगले 3 महीने में, जैसे चलान कटता है ना इसका, तो 3 महीने में अगर आप या तो सारी पेमेंट कर दो तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वरना ये कह रहे हैं कि हर साल का मतलब ब्याज लगेगा अच्छा खासा, तो और फिर 7-8 साल का टाइम दे देंगे, पता नहीं 3 साल का, कुछ कन्फ्यूजन सी है अभी मुझे। तो मैं पापा जी से भी इस बारे में बात कर रही थी, तो पापा जी बोलते कि ना तू एक काम कर, अपना ना इसको कोशिश कर कि तू ना इकट्ठा ही जमा करवा दे इस घर का सारा पैसा, क्योंकि वरना इंटरेस्ट पे, क्योंकि फिर वो चीज़ नहीं रहेगी ना कि आपको फिर इंस्टॉलमेंट में लंबा पड़ जाएगा, काम भी लंबा पड़ेगा और फिर ब्याज भी भरो। तो इसीलिए ना मैं क्या कर रहा है, मैंने पापा जी से बात की तो पापा जी बोल रहे थे कि हाँ ऐसे ठीक रहेगा, मैं ना लोन लूँगी, अब मैं लोन ले लूँगी बैंक से, और जैसे मतलब वो तो डाउन पेमेंट तो हो ही गई है एक बार के लिए, तो बाकी जितना हो सके लोन लूँगी और वो लोन मैं बाद में चुका दूँगी इस तरीके से, जैसे हाउस लोन ले लूँगी घर पे, मतलब पता नहीं क्या कुछ हिसाब किताब होगा, देखते हैं किस हिसाब से क्या होगा, तो उस पर एक बार लोन ले लूँगी मैं थोड़ा, और वो फिर बाद में चुकाती रहूँगी आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ना वो बेटर है, क्योंकि ना उसमें क्या होगा, आप समझ गए ना, मैंने आपको समझा दिया क्या सिस्टम है, तो बस ये चीज़ हो जाए। और बस बताए मेरे को ना आजकल ना इतना डर लगता है ना, मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें हो गई हैं, मतलब कभी कुछ हुआ कभी कुछ, मेरे अंदर ना ऐसे घबराहट सी नहीं होती, कई बार होती है कि हमेशा ना डर सा लगा रहता है कि ना कुछ और ना हो जाए, कुछ और ये चीज़ ना हो जाए। तो जब मेरा सुबह से ना मतलब दिन, मेरे को ना सुबह उठती हूँ मेरे को ऐसा रहता है प्लीज़ यार भगवान जी ये दिन मेरा आज का ठीक निकलवा देना किसी तरीके से, मेरा दिन आज अच्छा निकल जाए, और जब वो दिन थोड़ा सही निकलता है शाम को 7-8 बज जाते हैं ना, मतलब सब कुछ सही लगता है कि आज का दिन थोड़ा सही गया, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, मैं फिर नीचे पार्क है ना, नीचे पार्क में थोड़ी देर टहल लेती हूँ, घूम लेती हूँ आधा घंटा, थोड़ी इवनिंग वॉक कर लेती हूँ, और उस टाइम मेरे को अच्छा फील हो रहा होता है, मुझे लगता है चलो आज का दिन थोड़ा सही निकला, बस ऐसे ही अपना टाइम निकलता रहता है। तो जी चलिए ठीक है, इस वीडियो का मैं अभी एंड कर देती हूँ, मुझे बातें आपसे बहुत सारी करनी थी, पर पता है क्या होता है, बातें दिमाग में होती हैं पर बताने लगती हूँ तब भूल जाती हूँ, और बाद में याद आती है, फिर कई बार मैं एक और वीडियो ले आती हूँ, फिर सब कह देते हैं इतनी वीडियो डाल रहे हो, फिर मेरे को ही लगता है, फिर मेरे को बातें ना करनी थी, अभी भी मेरे को अब याद आ रहा है मेरे को कुछ बातें और करनी थी आपसे, मैं इस वीडियो में अब तो लंबी हो जाएगी वीडियो, पर देखूंगी फिर शाम तक बताती हूँ आपको, या देखूंगी कल बता दूंगी आपसे, डिस्कस कर लूँगी। बट सच में यार मतलब कल आप सबने को मैंने कहा कि आप सब मुझे कमेंट कीजिए जो मुझसे सच में मेरे से प्यार करते हैं और ना मेरे को कमेंट नहीं करते, सबने मुझे इतने सारे कमेंट पढ़ दिए और मैं अभी तक पढ़ने लग रही हूँ, बैठ के पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ आप सबके कॉमेंट्स पढ़ के, मुझे अच्छा लगा कि आप सबने, और कुछ कॉमेंट्स में तो मैं हैरान रह गई, मतलब कि इन्होंने बोला हुआ था कि जो मतलब IAS UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे थे हम पूरा दिन पढ़ते हैं लेकिन आपकी वीडियो जरूर देखते हैं, मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब इतने इंटेलिजेंट बच्चे, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब अपना मतलब पढ़ाई करते हैं उसके साथ में, मतलब अब मुझे इतना टाइम देते हैं, मतलब मुझे पता है IAS UPSC के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक एक मिनट खड़े होके भी पढ़ाई करते हैं, मुझे मालूम है, एक जगह खड़े हो जाएंगे ना वहाँ पर भी बैठे खड़े पढ़ते रहेंगे, अपना पढ़ाई करते रहेंगे, तो मुझे सच में थैंक यू, आप इतना वैल्यूएबल टाइम अगर मेरे को देते हो तो थैंक यू, सच में आप सबके लिए बस इतना कहूँगी, सच में लव यू आप सबके लिए, थैंक यू। चलिए इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।